सीए फाउंडेशन लॉ, राइट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है। सीए फाउंडेशन में अब क्या नया आया है, पहले होता था हमारे पास सीए सीपीटी, पहले हमारे पास सीए सीपीटी होता था जिसमें हमारे पास एक अलग से बुक थी मर्केंटाइल लॉ। अब जब सीए फाउंडेशन जब से आया है तो उन्होंने क्या कर दिया है, आपको एक ही बुक के अंदर दो कंटेंट दे दिए हैं, एक तो लॉ दे दिया है और उसी में आपको इंग्लिश का पोर्शन दे दिया है, ठीक है, एक तो ये चीज समझो आप, यानी लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना है। हो रहा हो क्या रही थी सीए प्रोफेशन में प्रॉब्लम कि लोगों की सीए बनने के बाद भी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं, यानी लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इंग्लिश में पढ़ तो रहे लॉ पढ़ तो रहे बट लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो उसने बेसिक में ही क्या दे दिया फाउंडेशन में, आप इंग्लिश सीखो, है ना, सारी ग्रामर सीखो। आप मेरा फोकस अभी कहाँ है, आपको लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो सीपीटी की तो बात हम नहीं करेंगे, सीए फाउंडेशन में कितने लॉ पढ़ने हैं आप देखो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ, जिसका वही नाम है मर्केंटाइल लॉ, एक बिजनेस लॉ पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ, ये नहीं था पहले सीएसीपीटी में, कंपनी लॉ नहीं था, राइट। अब बिजनेस लॉ में हमें तीन कंटेंट पढ़ने, बिजनेस लॉ में भी तीन कंटेंट पढ़ने, एक पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और एक पढ़ना है हमें पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट। ये तीन एक्ट को मिला के कौन सा लॉ बनता है, बिजनेस, जो हम सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे, राइट, ये सबसे बेसिक है। अगर आप इस लॉ को नहीं समझ पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो आपको कोई भी लॉ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर लॉ कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, जब आप आपस में पार्टीज क्या करती है, एक दूसरे से समझौते करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम बिल्कुल डिटेल से करेंगे, जैसे इस पे कमांड बनेगी तो हम आ जाएंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे, फिर पार्टनरशिप, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम, फिर कम, राइट। उसके बाद हम स्विच करेंगे कंपनी लॉ, जो सीएसीपीटी में नहीं था, हमारे पास कहां पे आया है, फाउंडेशन में ही आ गया, और सीए सेकंड लेवल में जिसे इंटर बोलते हैं, उसमें एक सेपरेट पेपर आपको मिलेगा कंपनी, राइट, और फाइनल में भी मिलेगा। तो कंपनी लॉ हम पढ़ेंगे, राइट, ये हम चीजें पढ़ना शुरू करते हैं, और अब हम लोग इसको बेसिक क्लास से देखते हैं, ठीक है, तुरंत पॉज कर दिया। अब आप देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे मैंने बताया सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा, तो अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ स्विच करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और बता देता हूँ सीए के बारे में, सीए जो आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको पता होना चाहिए तीन लेवल हैं आपके पास, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री, तीन लेवल में देना है। सीए फर्स्ट लेवल को हमने नाम दिया है सीए फाउंडेशन, सेकेंड लेवल को हम नाम दे रहे हैं इंटर, और सीए लास्ट स्टेज को हम क्या नाम दे रहे हैं, फाइनल, राइट। फाउंडेशन या इंटर कोई भी एग्जाम हो, साल में दो बार होता है, एक नवंबर और एक मई, साल में दो बार आपको अप्लाई कर सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो। फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आप इंटर पे आओगे तो आपको दो ग्रुप मिलेंगे, एक ग्रुप वन और एक ग्रुप टू, जिसमें दोनों में चार चार पेपर होंगे। जब पुराना कोर्स था सीए कोर्स, नया रिवाइज हुआ है, पुराने कोर्स में पहले मॉड्यूल में चार सब्जेक्ट थे और दूसरे में तीन सब्जेक्ट थे, लेकिन अब चार चार हो गए, क्या हो गया है, उसमें कुछ उसमें जो कॉस्ट, जो एक सब्जेक्ट में दो कंटेंट थे उसको अलग अलग कर दिया और वास्ट पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। फाइनल में जाओगे आप तो फिर आपके पास दो ग्रुप मिलेंगे, ग्रुप वन ग्रुप टू, जिसमें चार पेपर चार पेपर, यानी अगर मैं बात करूं टोटल सीए बनने के लिए कितने पेपर क्लियर करने, तो चार चार आठ बारह सोलह, कितने हो गए ये बताओ, चार यहाँ पे हो गए और आठ यहाँ हो गए और आठ यहाँ हो गए, 20 पेपर्स आपको क्लियर करने हैं सीए बनने के लिए। प्लस जो नई चीज है इंटर्नशिप, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, तो इंटर करने के बाद या इंटर का कोई एक ग्रुप करने के बाद आप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो, ट्रेनिंग शुरू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप फाइनल का एग्जाम दे ही नहीं सकते अगर आपकी 2.5 years की क्या ना हो, ट्रेनिंग ना हो। किसके पास करनी है, वो सीए के पास ही करनी है, यानी ट्रेनिंग मैंडेटरी है सीए में, जब आप ट्रेनिंग कर लोगे तभी आपको क्या मिलेगा, फाइनल में बैठने का चांस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो अब मैं इसको पूरा रख कर रहा हूं, ठीक है, और हम बहुत ही जल्दी आज की क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं अपना क्या
बोलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू कर देते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी मैं ना तो आपको ईयर बता रहा हूं कि जैसे होता है ना हर एक्ट का एक ईयर होता है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, समझ रहे हो, कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। तो अभी मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूं, पहली क्लास है, सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, वरना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शंस हैं, तो उसका हम इतना डरा अभी इतना भयानक रूप नहीं पढ़ेंगे, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आप फाउंडेशन दे रहे हो, अभी आप गहराई वाला नहीं पढ़ रहे हो। जब फाउंडेशन देते हो तो इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसमें इंस्टीट्यूट कहता है कि बच्चे को कौन सी नॉलेज दो, बेसिक नॉलेज दो, ठीक है ना, और जब सेकंड लेवल में जाओगे तो बोलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज दो, और थर्ड में क्या लिखेगा बोलो, एक्सपर्ट नॉलेज दो, समझ गए। तो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल सिंपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट की एक इक्वेशन है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है ध्यान से देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनता है अगर किसी पार्टी का एग्रीमेंट हो जाए और उस एग्रीमेंट को एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाए, एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाए। अब ये दोनों टर्म समझ लिए, कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एग्रीमेंट क्या हो जाए, एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाए। एग्रीमेंट कब बनता है, जब दो पार्टीज आपस में क्या कर लें, ऑफर एक्सेप्टेंस कर लें। एग्रीमेंट कब बनता है, जब ऑफर प्लस क्या कर लें, एक्सेप्टेंस कर लें, ठीक है। यहां थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको कि जब एक पर्सन मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कुछ बोले और वो बोल दे हाँ ठीक है मैं तेरे काम से खुश हूं, मिस्टर एक्स मान लो टीचर है मुझसे पढ़ोगे, वाई वाई बोलता है हाँ पढ़ूंगा, ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या है, इसके लिए हम डिटेल से पढ़ेंगे हर चीज का डिस्कशन। Enforceable by law का मतलब है जब कानून की नजरों में आप कानून की कुछ terms and condition पूरी करो, जैसे इसी के details से chapter है, enforceability के ऊपर ही क्या details है, chapters हैं। वो chapters क्या हैं, X और Y दोनों minor नहीं होने चाहिए, बच्चों का contract valid नहीं होगा ना, तो major होने चाहिए, X और Y mind से fit होने चाहिए, एक्स और वाई के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है कुछ ना कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, यानी मॉनेटरी वैल्यू, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो फीस पे कर रहे हो ना, तो कंसिडरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन, वो होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें, इन दोनों का एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए, इलीगल एक्टिविटी का ना हो कि चलो उसकी गाड़ी तोड़ते हैं जो पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा, चलो उसके घर में चोरी करते हैं, ऐसे एग्रीमेंट को हम कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होने देंगे, समझ गए इतनी बात। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल, तो सिंपल मीनिंग आप ले लो। एक चीज और बताना मैं भूल गया, पहले सीपीटी में ये पहले पूरा पेपर क्या हो जाता था, ऑब्जेक्टिव होता था, क्या होता था, ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको करेक्ट आंसर लगाने होते थे। अब सीए फाउंडेशन में ये पेपर क्या बन चुका है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, अब आपको लिखना है, इसका मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बुक से पढ़ना है, और बुक क्या पढ़ना है, हमेशा क्या पढ़ना है, ICAI की बुक, ठीक है ना। मुझसे सिर्फ आप बैकग्राउंड समझेंगे, इंस्टीट्यूट की साइट पे जाके, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट की साइट क्या है, आप नेट पे डालोगे ICAI BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज, इस पे क्लिक करोगे तो पूछेगा वो कौन सा लिंक चाहिए, फाउंडेशन का, इंटर का या फाइनल का, आप इस पे जाना और अपनी बुक डाउनलोड कर लें, स्टडी मटीरियल लिखा होगा, ठीक है, वो पढ़ना है। तो क्यों, अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया तुरंत उतना पढ़ा और डिटेल रीडिंग करी, वर्ड्स के डाउट ले आए, सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो सारा मुझसे पूछा, और फिर उसको हम आगे पढ़ेंगे, अगर डाउट नहीं है तो आगे पढ़ेंगे, और फिर हर चैप्टर के बाद आप थोड़ा लिख के दिखाओगे, जैसे एक क्वेश्चन की तैयारी कर ली, एग्रीमेंट क्या होता है वो मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आप लिख के तैयारी करोगे, क्लियर, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो इतना मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट को अगर एनफोर्सेबल बना दे तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट क्या है, डिटेल से पढ़ना है, ऑफर क्या है पढ़ना है, एक्सेप्टेंस क्या है पढ़ना है, एनफोर्सेबल को तो डिटेल से ही पढ़ना है, राइट। अब आप देखो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल मैंने बता दिया, अब अगर इसकी छोटी सी मीनिंग बतानी हो बुक के बिना पढ़े तो यही से मीनिंग निकाल लो, मैं मीनिंग बोलता हूं, क्या लिखा होगा बुक में, ये लिखा होगा एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यही लिखा होगा बुक में, एन एग्रीमेंट
एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों मिला के क्या बन जाते हैं, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बन जाते हैं। तो अब हम डिटेल से वन बाय वन टॉपिक पढ़ते हैं, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं ऑफर के बारे में। चलो ऑफर सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं ऑफर। अभी मैं किसी भी टॉपिक का सेक्शन नहीं डिस्कस कर रहा हूं, इन सब के सेक्शन है। सेक्शन जब भी आप मीनिंग पढ़ेंगे, याद रखना इतना समझ लो, जब भी आप किसी चीज की मीनिंग पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन सेक्शन टू में होगी। सेक्शन किस में होगी, टू में, और उसके फिर सब सेक्शन होंगे। सब सेक्शन कैसे लिखा होता है, ब्रैकेट में ऐसे, इसको क्या पढ़ेंगे, सेक्शन टू सब सेक्शन, ठीक है ना, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज, ठीक है। अभी हम सेक्शन पे नहीं ध्यान देंगे। ऑफर क्या होता है, ऑफर में लिखा हुआ है, पहले मैं सिंपल समझाता हूं फिर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा। ऑफर का मतलब है जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से अपनी कोई इच्छा जाहिर करे। ऑफर क्या है, जब कोई मिस्टर एक्स, कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई इच्छा जाहिर करे, कुछ करने कुछ ना करने का वादा करे या कुछ ना करने का वादा करे, इनकी इच्छा को प्राप्त करने के लिए तो हम बोलेंगे मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं मिस्टर वाई को। तो ऐसा लिखा हुआ है इंग्लिश में, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, दैट पर्सन इज सेड टू मेक अ ऑफर। ये लिखा हुआ है इंग्लिश, अगर समझ लिया तो मीनिंग भी याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ऑफर कर रहे हैं, कब मानेंगे, जब वो अपनी इच्छा को किसे बता रहे हैं, मिस्टर वाई। अब तुम बताओ एक्सेप्टेंस क्या होगा, सिंपल। अभी मैं एक्सेप्टेंस की वजह से डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बताता हूं एक्सेप्टेंस को पढ़ेंगे तो हमें क्या बताऊंगा, जब मिस्टर वाई मिस्टर एक्स की बात को, ऑफर को पॉजिटिवली पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दे दे तो क्या बोलेंगे, उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। नेगेटिवली कर ले तो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अभी हम एक्सेप्टेंस पे नहीं जाते, क्लियर। अब मिस्टर एक्स के लिए रूल्स बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, रूल्स, लॉ में लिखा हुआ है रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, यानी ऑफर करने वाले के लिए कुछ रूल्स बनाए गए लॉ में, क्या बनाए गए, रूल्स। अब वो क्या ऑफर है, देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे बहुत सारे हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। देखो ये स्टडी मटेरियल है, ये आपको इंस्टीट्यूट से मिलेगा। अगर आपके घर में फिजिकल कॉपी नहीं आती तो मैंने जो साइट बताई थी ICIBOS, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको ईपीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ बिजनेस लॉ है, ऐसी इंग्लिश का पार्ट मिलेगा, दोनों मिलके आपके एक सब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसी की लैंग्वेज से मैं आपको रूल्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, इसी की लैंग्वेज जो ICI बोल रहा है। देखो पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। तो पहला पॉइंट में क्या लिखूंगा नोट्स में, लीगल रिलेशन। आप ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जब आपस में ऑफर करें तो रिलेशन कैसा बनाए, लीगल, सोशल नहीं, सोशल का मतलब दोस्ती यारी वाला नहीं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला मेरी शादी में आओगे, उन्होंने बोला हाँ आऊंगा, और मिस्टर वाई नहीं पहुंच पाए, तो क्या आप केस कर दोगे, तो आप ये बोलोगे आपने मेरे ऑफर को ठुकराया नहीं। रिलेशन कौन सा था, सोशल, रिलेशन कौन सा बनाना है, लीगल, लीगल। बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कहता है, इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग। तीन चीजें हैं यहाँ पे, ऑफर ऐसा करो सर्टेन हो, ऑफर ऐसा करो डेफिनेट हो, और नॉट वेग हो। वेग का मतलब क्या होता है, धुंधलापन, उसमें क्लैरिटी नहीं है, नॉट वेग। तो ऑफर कैसा हो, सर्टेन, सर्टेन का मतलब क्या है, सर आप CA फाउंडेशन पढ़ाते हो, हाँ पढ़ाते, ये ऑफर सर्टेन नहीं है, क्यों सर आप तो सिर्फ लॉ ही पढ़ाते हो। एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि सर्टेन नहीं था, ऑफर ऐसा करो सर्टेन हो जाए, जैसे होता है ना अभी भी कुछ सर्टेन नहीं है, जैसे आप मोबाइल की शॉप पे जाते हो और बोलते हो मुझे मोबाइल दिखा लो, ठीक है, तो आपने उसको बोला कौन सा मोबाइल दिखाना है, सर्टेन करो ना उसको, रियलमी चाहिए, रेडमी चाहिए, एमआई चाहिए, सैमसंग चाहिए, आईफोन चाहिए, सर्टेन करो। डेफिनेट का मतलब होता है इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए, कोई चीज की लिमिट है ना, इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हर चीज की एक लिमिट बताओ आप, क्वालिटी क्वांटिटी फिक्स करो,
एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, सुबह चाहिए, शाम चाहिए। और नॉट वेग, वेग का मतलब क्या होता है? धुंधलापन। आपके मन में ही क्या है, धोखा लग रहा है। आप वेग हो मतलब चीजों को धुंधला के बोलो। ऐसे मान लो मैं लॉ पढ़ा रहा हूं, मुझे दो चैप्टर नहीं आते और मैंने आपको बताया नहीं, ऑफर दे दिया और आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा हो सकता है? तो मेरा ऑफर क्या है? वेग है। तो रूल क्या कहता है? ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, वेग नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? कम्युनिकेटेड। इस पे केस स्टडी है। केस स्टडी का मतलब इस पे एक केस लॉ बहुत फेमस है, उस केस लॉ का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, वो केस हम बाद में देखेंगे। कम्युनिकेटेड का मतलब होता है अगर ऑफर मिस्टर एक्स ने किया मिस्टर वाई को और मिस्टर वाई को उसकी खबर ही नहीं है, मिस्टर वाई को खबर नहीं है तो उसको हम ऑफर मानेंगे ही नहीं। यानी ऑफर लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या बोला है, किसने बोला है, किस बात का ऑफर दिया है, ठीक है? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, संवादित होना चाहिए उससे, ठीक है? नेक्स्ट है, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। ऑब्टेन एसेंट, एसेंट का मतलब होता है इच्छा, मैंने मीटिंग में भी बोला था, यानी इच्छा ले सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते। एयरटेल कंपनी मुझे कह रही रिचार्ज करो 269 का और 3 महीने फ्री कॉल करो, मेरी इच्छा ले रही है ना, मैं करा भी सकता हूं और नहीं भी। एसेंट लेनी है आपको, दबाव नहीं डालना। दबाव डालोगे तो मैं जब आगे पढ़ाऊंगा एनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कोएर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें, ठीक है? उसके बाद क्या बोलता है? इट मे बी कंडीशनल, कंडीशनल हो सकता है। कंडीशनल मे लगा दिया मैंने, ऑफर कंडीशन लगा सकते हो आप, और हम पढ़ेंगे जब एक्सेप्टेंस तो वहां पे सीधा लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता। यानी एयरटेल कह सकता है कि ये ऑफर 3 दिन तक है, 3 दिन के बाद ये ऑफर खत्म, कंडीशनल ऑफर। ऑफर ऑफरर, ऑफर बोलेंगे इसको मिस्टर, क्या बोलेंगे? ऑफरर, जो ऑफर करता है, ऑफरर या प्रपोजर, ठीक है ना, जो ऑफर करता है ऑफरर या प्रपोजर। तो ये कंडीशन डाल सकता है कि भाई ऐसी ऐसी टर्म्स हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप लो, वरना मत लो, ठीक है? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। नॉन कंप्लायंस, इसको ध्यान से समझो, ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। नॉन कंप्लायंस नॉट एक्सेप्टेड, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, सॉरी, नॉट नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, मना कर रहा है। ध्यान से सुनो, ऐसा ऑफर मत करना या ऐसी कंडीशन मत डाल देना कि उसको तुम ये बोल दो अगर तूने ऐसा ना किया तो हम मान लेंगे तुम करना चाहते हो, मतलब तुम्हारे फोन में बैलेंस है। एयरटेल कंपनी कह रही है कॉलर ट्यून लगा लो, 15 रुपए कटेंगे, ठीक है ना, और 3 दिन में नहीं लगाया तो हम अपने आप लगा देंगे, बताओ ये क्या सही ऑफर है? यही लॉ मना कर रहा है। यानी सामने वाले की एक्टिविटी की ना को तुम अपनी हां मत मान लेना, उसकी इच्छा वो खुद बोलेगा। बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर? आगे, ऑफर शुड नॉट कंटिन्यू हो गया। लास्ट है, अच्छा सेकेंड लास्ट, ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और जनरल, इसको हम आगे देखेंगे। ऑफर आपका हो सकता है स्पेसिफिक और जनरल, ये क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर एक टॉपिक है, कितने टाइप का ऑफर होता है। ऑफर किसी एक को भी दिया जा सकता है और ऑफर पूरी पब्लिक को भी दिया जा सकता है। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। मैं कह रहा हूं आई विल टीच यू सीए फाउंडेशन लॉ, मैं कहता हूं आई विल टीच यू सीए फाउंडेशन लॉ, और मैं आगे कह रहा हूं जिसने बीकॉम एग्जाम दे दिया है वही पढ़ने आए, क्या है वो स्पेसिफिक। मैं कहता हूं कोई भी चाहे वो 12th पास हो 10th पास हो पढ़ने आ जाए, जनरल, ऐसा ऑफर हो सकता है। लास्ट है आपकी बुक में, कह रहा है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इनविटेशन टू ऑफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको ध्यान से समझेंगे, ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, ये क्या है, ये दोनों चीज डिफरेंट है। ऑफर इज नॉट इक्वल टू इनविटेशन टू ऑफर, यानी ऑफर लॉ कहता है अलग है और इनविटेशन टू ऑफर लॉ कहता है अलग। अब ध्यान समझो, इनविटेशन ऑफर तो हम बात ही कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। इनविटेशन टू ऑफर क्या है ये समझ लेते हैं, राइट।
देखो इनविटेशन टू ऑफर की मैं बात कर रहा था, इनविटेशन टू ऑफर समझ लेते हैं, ऑफर का तो हम डिस्कशन ही कर रहे हैं आज। देखो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी करना, ऐसा मूवमेंट करना, ऐसी गतिविधि करना जिससे सामने वाला आए और आपको ऑफर दे दे, इसे बोलेंगे इनविटेशन टू ऑफर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बस, पैसेंजर बस, गवर्नमेंट की सरकारी बस, ठीक है ना, सरकारी बस। जैसे दिल्ली में अगर आप रहते हो तो यहाँ डीटीसी की बसेस चलती हैं, बस स्टैंड पे मैं खड़ा हूँ, आप खड़े, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बस आपके कहने पे रुकेगी, मेरे कहने पे अपने आप रुक जाएगी, अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि उसकी ड्यूटी है वो रुकेगी, ठीक है ना। बस रुकी, आप भी चढ़े, मैं भी चढ़ा, आपको कहीं और जाना है, मुझे कहीं और जाना है, ठीक है ना। तो बस यही एग्जाम्पल है, बस का रुकने को हम क्या बोलेंगे? ऑफर की इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर। मैं चढ़ा, मैंने बोला भैया मुझे वहां जाना है, जाएगी बस। अगर उसने हाँ बोला यानी उसने ऑफर किया, हाँ जाएगी, आप बैठ जाओ, टिकट लिया, एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क होना चाहिए, यही लॉ कह रहा है। आगे चल के ऐसा मत कर देना मैंने ऑफर नहीं दिया था, इसने आके मुझे क्या किया था, इनवाइट की तू ऑफर दे, दोनों अलग है ना। आगे जब केस होगा, जब दोनों कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो यही तो बातें होंगी कि ऑफर किसने किया, कौन ऑफर था, कौन एक्सेप्टर था, तो ये आगे विवाद ना हो, ठीक है, इनविटेशन। दूसरा एग्जांपल क्या है? शॉप में आप जाते हो, शॉप में जाते हो, वहां एक डिस्प्ले लगा होता है, ये इतने रुपए का रेट लिस्ट लगी होती है, वो रेट लिस्ट देख के आप जाते हो ना, अरे आज ऑफर चल रहे, चलते हैं, फिर आप जाके पूछते हो भैया ये है क्या, दे दो, वो डिस्प्ले क्या है? इनविटेशन टू ऑफर, राइट। तो ये हमारी बेसिक क्लास में ये हमने आज सिर्फ क्या डिस्कस किया, पूरे सीए फाउंडेशन का, राइट, और हमने ऑफर पूरा डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में हम एक्सेप्टेंस डिस्कस करेंगे, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइप पे आएंगे, इस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे, इस तरीके से हमारी क्लास आगे मूव ऑन करेगी, राइट। थैंक यू सो मच।